तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, अगर ना पढ़े तो मार के नमाज पढ़वाओ। लेकिन अफसोस की बात, आज मुसलमान की औलाद 5 साल की औलाद मां बहन की गालियां बोलती, बाप खुश होके कहता है देखो मेरा बाप के मेरा बेटा कैसी गालियां। बड़े अफसोस की बात है, मुसलमान के सर पर जू नहीं रेंगती है, और जिसका गला कटता है ना तब उसे याद आती है कि क्या हो रहा। आज मुसलमान की औलाद 4-5 साल के बच्चे मां बहन की ऐसी गालियां बकते हैं कि आपने कभी जिंदगी में भी नहीं सुनी होगी। 8-8, 10-10 साल के बच्चे सिगरेट फूंक रहे हैं चौराहों पर गलियों में। 12-12, 14-14 साल के बच्चे नशे में लगे हुए हैं, गांजा फूंक रहे हैं गलियों में। जिस गली से निकलो उस गली से गांजे की महक आपको सूंघने को मिली। क्या हो रहा है? तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है, तुम्हारी नस्लों को कमजोर किया जा रहा है कि जब 12-12, 14 साल के बच्चे इस तरह के नशे में लग जाएंगे तो वो क्या खिलाफत और क्या सियासत करेंगे। उनकी तो जवानी वहीं पर, जवान होने से पहले जवानी खत्म की जा रही है। आप समझ नहीं रहे हो, कारोबार वालों के कारोबार चल रहे हैं नशे के, तुम्हारी औलादें बर्बाद हो रही हैं। होश में आओ, थोड़ा घर पे भी ध्यान दे लो, दूसरों के ऊपर ध्यान देने से बेहतर अपने खुद के गिरेबान में झांक लो, दूसरे के घरों में झांकने से बेहतर है। हकीकतें बड़ी कड़वी है, हकीकत बात, बहुत हालात खराब है मुसलमान, बच्चे बिगड़ रहे हैं, जवानें बिगड़ रहे हैं, बेटियां बिगड़ रही हैं, बेटे बिगड़ रहे हैं, यहां तक शादीशुदा लोग भी बिगड़ रहे हैं। बहुत हालात खराब है समाज के, बहुत हालात खराब। आज इस मेंबर से बैठकर हमें मजबूरन इस तरीके के बयान करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि याद रखो, तुम सोचते हो कि कोई और तुम्हारा हामी और मददगार है तो तुम्हारी ये बहुत बड़ी भूल है। तुम्हें खुद को अगर मजबूत होना है तो तुम्हें खुद मजबूत होना पड़ेगा। अगर तुम खुद मजबूत नहीं होगे तो ये समाज मजबूत नहीं हो सकता। मुसलमान जो हाल खराब हो रहे ना, ये मुसलमान वो है कि जिसने सरजमीन हिंदुस्तान पर 800 साल तक हुकूमत की है, और आज मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, गरीबी रेखा के नीचे अगर सबसे ज्यादा अगर कोई है तो मुसलमान वर्ग, OBC के अंदर कोई आता है तो मुसलमान वर्ग सबसे बिछड़ी निचली जाति, कमजोरी मतलब शिक्षा। अगर हम शिक्षण के बारे में मालूम करें, पढ़ाई लिखाई के बारे में मालूम करें तो मुसलमान नी के बराबर है, नी के बराबर। अलैहिस्सलाम की प्यारे दुआ, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ के मौला हम तमाम को सही समझ अता फरमाए, और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। याद रहो, जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो तो किसी और रास्ते से आप कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर मुस्तफ़ा का रास्ता छोड़ा तो आप किसी और रास्ते पर जाकर कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर मुस्तफ़ा का रास्ता अगर आपने थामा है तो दुनिया भी आपकी है और आखिरत भी आपकी है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हर एक इंसान कामयाब होना चाहता है, हर एक इंसान चाहता है कि वो कामयाब हो। कोई ये नहीं चाहता है कि वो नाकामयाब हो या कामयाबी उसे ना मिले, कोई नहीं चाहता। हर एक इंसान अपने अपने फील्ड में, अपने अपने काम में, अपने कारोबार में, अपने अपने मशगले में, हर इंसान चाहता है कि वो कामयाब हो। हर एक इंसान चाहता है ना कि वो कामयाब हो। कोई ऐसा नहीं है कि अगर बिजनेस कर रहा है तो भैया इसमें कामयाबी मिलना चाहिए, है ना। पढ़ाई कर रहा है तो उसमें कामयाबी मिलना चाहिए। कोई काम कर रहा है, कोई मिशन है, तो हर एक इंसान गर्जे के ही चाहता है कि कामयाबी मिले। लेकिन इंसान कामयाब होने के लिए गिरोह के रस्ते टकरा है, गिरोह के तरीकों को अपना कर सोच रहा है कि मैं कामयाब हो जाऊं, और कर भी यही रहा है मुसलमान कि कामयाब होने के लिए वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्ता छोड़कर गैरों के रास्ते को टकरा है, गैरों के रास्तों को अपना रहा है। हर किसी के झंडे उठाने को तैयार है, हर किसी की जय विजय लगाने के लिए तैयार है, लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्ता अपनाने के लिए तैयार नहीं।
आकाम के प्यारे दीवानो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को कभी भी किसी भी मशगले में लाचार नहीं रखा। बचपन से लेकर 55 तक हर सिमत में, हर मरहले में आकाम ने करके बता दिया कि बचपन हो तो ऐसा गुजारा जाए, जवानी हो तो ऐसी गुजारी जाए, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी हो तो ऐसी गुजारी जाए, अगर आप कवारे हो तो ऐसा गुजारा जाए, आपकी 55 साल की उम्र हो जाए तो उसको ऐसा गुजारा जाए, अगर आप बाप हो तो किस तरह गुजारा जाए, आप बेटा हो तो किस तरह गुजारा जाए। गर्ज के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक काम करके बता दिया कि आने वाली मेरी उम्मत को किसी और को देखने की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो मेरी जात को देखकर अपनी जिंदगी गुजारने का एक तरीका बना ले। आकाम की प्यारे दीवार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मशगले के अंदर इस उम्मत को लाचार नहीं बनाया, इस उम्मत को अपाहिज नहीं बनाया, इस उम्मत को मजबूत बनाया है। आकाम की प्यारे दीवानों मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन गुजार के बता दिया कि बचपन को इस तरह गुजारा जाए, जवानी गुजार के बता दी कि जवानी इस तरह गुजारी जाए, अगर आप कुंवारेपन पर हो तो कुंवारेपन पर इंसान अपनी जिंदगी को कैसे गुजारे, इंसान अगर शादीशुदा है तो शादीशुदा अजवाजी जिंदगी को कैसा गुजारा जाए। हर एक मशगले के अंदर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजार कर इस उम्मत को बता दिया है कि तुम्हारी बचपन से लेकर 55 तक की जवानी, तुम्हारी जन्म से लेकर कब्र तक की तुम्हारी जो जिंदगी है उसको गुजारने का तरीका क्या है। लेकिन अफसोस की बात, आज मुसलमान उस तरीके को छोड़ के बैठा है। आकाम के प्यारे दीवानों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत कितने साल में फरमाया? कितने साल में? 40 साल में। कितने साल में? जोर से बोलो। हाँ, 40 साल की उम्र में के अंदर ऐलान नबुव्वत फरमाया। 40 साल के अंदर ऐलान नबुव्वत फरमाया। नमाज आई ऐलान नबुव्वत के बाद, ज़कात हुई फर्ज ऐलान नबुव्वत के बाद, कुर्बानी आई ऐलान नबुव्वत के बाद, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, तमाम अहकाम इस्लाम आए ऐलान नबुव्वत के बाद। आकाम ने दीन का दर्श दिया ऐलान नबुव्वत के बाद, लोगों को कलमा पढ़ाया ऐलान नबुव्वत के बाद, दीन इस्लाम की तबलीग की ऐलान नबुव्वत के बाद, लोगों को खुदा का रास्ता दिखाया ऐलान नबुव्वत के बाद, लोगों को अल्लाह की वहदानियत बताई ऐलान नबुव्वत के बाद। ऐलान नबुव्वत अल्लाह के रसूल ने 40 साल की उम्र के अंदर किया, लेकिन 40 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? 40 साल का अरसा छोटा मोटा अरसा नहीं होता। 40 साल के अरसे के अंदर इंसान की जिंदगी तमाम हो जाती है। कई लोग कब्र में पहुंच जाते हैं और कई लोग कई घाट का पानी पी लेते हैं। 40 साल की उम्र के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आकाम ने 40 साल की उम्र में बताया कि 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया जा रहा है, लेकिन सुन लो दुनिया के लोगों के 40 साल पहले इस्लाम किस तरह से गुजारा जाए वो बताया गया। ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक अपना किरदार पेश किया, 40 साल तक अपनी सदाकत पेश की, अपनी अमानत पेश की, अपनी रियाजत, अपना तकवा, अपनी परहेजगारी लोगों के सामने पेश की। आकाम का अगर आप किरदार उठाकर देखो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो किरदार है कि मक्के की सरजमीन पर से दाई हलीम अपने साथ गोद में आकाम को लेकर जाती है और अपने कबीले में पहुंचती है, और जब आकाम को दूध पिलाने का वक्त आता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीम अपनी छाती के करीब लाती है तो दाई छाती से आकाम दूध पीते हैं, और जब बाई छाती की तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया जाता है तो आकाम मना कर देते हैं, बाई छाती का दूध नहीं पीते हैं, बल्कि दाई हलीमा से ये कहते हैं, ए दाई हलीमा, दाई साइड का दूध पीने का हक मेरा है और बाई साइड का दूध तेरे वो बच्चे पिए जो आज भूखे और प्यासे हैं। यह अकालम का किरदार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 10 साल की उम्र में थे तो जब मक्का के बड़े बड़े सरदार अपनी मजलिसों में बैठते और अकालम जब तशरीफ लाते तो मक्का के सरदार उठकर खड़े हो जाते, लोग सवाल करते कि इस बच्चे के लिए 10 साल की उम्र की है, इसके लिए तुम अदब और एहतराम के लिए खड़े हो जाते हो, तो मक्का के कुफार और मुशरिकीन जो सरदार थे और जो भी मजहब को मानने वाले थे वो तमाम के तमाम अदब में खड़े हो तो कहते कि ये बच्चा वो है जो सदाकत का हामी है, ये बच्चा सच्चा है,
आज तक अरब के अंदर ऐसा कोई बच्चा नहीं हुआ जो 10 साल की उम्र के अंदर सच बोले। 10 साल की उम्र में के अंदर इसको अमानत रखने का हक है। आकाम के पास गैर तो गैर दुश्मन भी अपनी अमानत रख के चले जाते थे कि इनसे ज्यादा अमानत और सदाकत वाला कोई बंदा नहीं। आकाम के प्यारे दीवारों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी को इसे सवार के बताया और बताया कि ए मेरे आने वाली उम्मत, तुम देखो कि तुम्हारा बचपना अगर गुजरे तो इस तरह से गुजरना चाहिए। आकाम के प्यारे दीवारों कई बड़े बड़े वैज्ञानिक और साइंसदान लोग आकाम की जिंदगी पर रिसर्च कर करके, चाहे वो किसी मकसद से रिसर्च करें, लेकिन आखिरी नतीजा ये हुआ का उन लोगों ने आकाम की जब जिंदगी को पढ़ा, इस्लाम को पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमान हो गए। आकाम की जिंदगी पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अगर जिंदगी का हम मुताला करें तो हमें हर मशकले के अंदर एक मार्गदर्शन पर एक रास्ता मिलता है। लेकिन अफसोस की बात कि मुसलमान इसके लिए तैयार नहीं। मुसलमान दूसरों के झंडे उठाने के लिए तैयार है, दूसरों की जय विजय लगाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। आज जो परेशानियां आ रही हैं, आज जो मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, उसकी एक वजह यह है कि मुसलमान अपने किरदार पर नहीं है। मुसलमान सच नहीं बोलता, मुसलमान झूठ बोलने में लग गया है। अगर मुसलमान सोच ले कि आकाम ने कह दिया कि मुसलमान झूठ नहीं बोलता, अगर मुसलमान सच बोलने लग जाए तो एक नया रास्ता, एक नई किरण पैदा हो जाए। लेकिन अफसोस की बात आज सारी खराबी पाई जा रही है तो मुसलमानों के, झूठ मुसलमान बोलता है, जुआ मुसलमान खेलता है, शराब मुसलमान पी रहा है, जुए के अड्डे और सट्टे सब मुसलमान लोगों ने आबाद कर रखे हैं। अफसोस की बात आकाम की प्यारे दीवार, जिस मिशन के लिए मुसलमान को तैयार किया गया, जिस मकसद के लिए मुसलमान को तैयार किया, वो मकसद मुसलमान भूल के बैठा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि तुम्हारे लिए जिंदगी जीने का बेहतरीन नमूना अगर कोई है तो मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की ज़ात पाक है। अगर तुम अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीना चाहते हो, दुनिया में कामयाबी और आखिरत में कामयाबी चाहते हो, तो मुस्तफा के तरीके पर चल लो। तुम्हें सिर्फ इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम खाओ पियो और सो जाओ, तुम्हें इसलिए पैदा किया कि तुम खुदा उसके रसूल की इताअत करो, तुम खुदा की इबादत करो। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लग जाओ। अफसोस की बात आज मुसलमान ना तो दुनिया में कामयाब है ना आखिरत की तैयारी में लगा हुआ। आज अगर किसी ब्राह्मण के से पूछा जाए कि आपकी औलाद क्या कर रही है, तो ब्राह्मण कहेगा कि मेरी औलाद IAS IPS IFS IFS या जितनी भी बड़ी डिग्रियां हैं उसकी तैयारी में लगी, और कुछ बच्चे धर्म का पाठ पढ़ रहे। अगर किसी चौधरी की औलाद से पूछो तो वो भी इसी तरीके का जवाब देगा कि मेरा एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है, एक बच्चा धर्म की पढ़ाई कर रहा है। अगर किसी मारवाड़ी के बच्चे से या मारवाड़ी के बाप से पूछो कि तुम्हारी औलाद क्या कर रही, तो वो जवाब देगा कि मेरा एक बच्चा बिजनेसमैन है और दूसरा धर्म की तैयारी कर रहा। अगर किसी गुजराती से पूछो तो वो कहेगा कि मेरा एक बच्चा बिजनेसमैन है और दूसरा कोई डिग्री हासिल कर रहा है। इसी तरीके से हर एक मशकले के अंदर, हर एक कौम को उठा के देख लो तो तमाम के तमाम अपने अपने मकसद के अंदर लगे हुए हैं। और अगर किसी मुसलमान से पूछो कि तुम्हारी 3 औलादें हैं, तुम्हारी 2 औलादें वो क्या कर रही है, तो मुसलमान जवाब देगा कि हमारे साहबजादे 10 बजे 11 बजे उठते हैं, उसके बाद नहाते धोते हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद माँ से 150 रुपए लेते हैं, पेट्रोल डालते हैं और दोस्तों से घूमने के लिए निकल जाते हैं, दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाते हैं। मुसलमान की औलाद 5 बजे चाय पीने के लिए होटलों पर जाती है। मुसलमान की औलाद शाम को रात को देर तक आती है और सो जाती है, और सुबह को उठ के वापस उसी काम में लग जाती है। आकाम के प्यारे दीवानों, सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान सिर्फ इसीलिए पैदा किया गया है कि सिर्फ खाए पिए और सो जाए, अपना मकसद ना समझे, बल्कि याद रखो सियासत इस्लाम का हिस्सा है, खिलाफत इस्लाम का हिस्सा है, रियासत इस्लाम का हिस्सा है, तिजारत इस्लाम का हिस्सा है, इबादत इस्लाम का हिस्सा है। लेकिन अफसोस की बात मुसलमान हर मशकले के अंदर पीछा होकर चला जा रहा है। आकाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, अगर ना पढ़े तो मार के नमाज पढ़वाओ। लेकिन अफसोस की बात आज मुसलमान की औलाद 5 साल की औलाद माँ बहन की गालियां बकती,
باپ خوش ہو کے کہتا ہے دیکھو میرا باپ کے میرا بیٹا کسی گالیا پر. بڑے افسوس کی بات ہے, سلمان کے سر پر جو نہیں رینگتی ہے, اور جس کا گلا کٹتا ہے نا تب اسے یاد آتی ہے کہ کیا ہو رہا. آج مسلمان کے اولاد 4-5 سال کے بچے ماں بہن کی ایسی گالیاں بکتے ہیں کہ آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سنی ہوں گی. 8-10 سال کے بچے سگریٹ پھونک رہے ہیں چوراہوں پر گلیوں میں, 12-14-14 سال کے بچے نشے میں لگے ہوئے ہیں, گانجہ پھونک رہے ہیں گلیوں میں. جس گلی سے نکلو اس گلی سے گانجے کی مہک آپ کو سننے کو ملی. کیا ہو رہا ہے تم سمجھ نہیں رہے ہو, تمہاری نسلوں کو برباد کیا جا رہا ہے, تمہاری نسلوں کو کمزور کیا جا رہا ہے. کہ جب 12-14 سال کے بچے اس طرح کے نشے میں لگ جائیں گے تو وہ کیا خلافت اور کیا سیاست کریں گے, ان کی تو جوانی وہیں پر جوان ہونے سے پہلے جوانی ختم کی جا رہی ہے. آپ سمجھ نہیں رہو, کاروبار والوں کے کاروبار چل رہے ہیں نشے کے, تمہاری اولادیں برباد ہو رہی ہیں. ہوش میں آؤ, تھوڑا گھر پہ بھی دھیان دے لو, دوسروں کے اوپر دھیان دینے سے بہتر. اپنے خود کے گریبان میں جھانک لو, دوسرے کے گھروں میں جھانکنے سے بہتر ہے. حقیقتیں بڑی کڑوی ہے, حقیقت بات ہے. بہت حالات خراب ہیں مسلمان, بچے بگڑ رہے ہیں, جوانیں بگڑ رہے ہیں, بیٹیاں بگڑ رہی ہیں, بیٹے بگڑ رہے ہیں, یہاں تک شادی شدہ لوگ بھی بگڑ رہے ہیں. بہت حالات خراب ہیں مسلمان سماج کے, بہت حالات خراب. آج اس منبر سے بیٹھ کر ہمیں مجبوراً اس طریقے کے بیانات کرنے پڑ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھو, تم سوچتے ہو کہ کوئی اور تمہارا حامی اور مددگار ہے تو تمہاری یہ بہت بڑی بھول ہے. تمہیں خود کو اگر مضبوط ہونا ہے تو تمہیں خود مضبوط ہونا پڑے گا. اگر تم خود مضبوط نہیں ہوگے تو یہ سماج مضبوط نہیں ہو سکتا. مسلمان جو حال خراب ہو رہے ہیں نا, یہ مسلمان وہ ہے کہ جس نے سرزمین ہندوستان پر 800 سال تک حکومت کی, اور آج مسلمان سب سے زیادہ پچھڑا ہوا ہے. غریبی ریکھا کے نیچے اگر سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو مسلمان ورگ, OBC کے اندر کوئی آتا ہے تو مسلمان ورگ. سب سے بچھڑی نچلی جاتی, کمزوری مطلب شکش. اگر ہم شکشن کے بارے میں معلوم کریں, پڑھائی لکھائی کے بارے میں معلوم کریں تو مسلمان نی کے برابر ہے, نی کے برابر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دعا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رہو, زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کسی اور راستے سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. اگر مصطفیٰ کا راستہ چھوڑا تو آپ کسی اور راستے پر جا کر کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. اگر مصطفیٰ کا راستہ اگر آپ نے تھاما ہے تو دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر